good no, looking. No, 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 no. But then I should not be here because I don't know this dude. I'm just going to talk about this. I don't know the other films. That was why I said let me do this while he's in the bathroom. कुणाल खेमू उर्फ गुड्डू ने सोचा था कि इस बार अपनी गन का निशाना अपनी ही बीवी पर रखेंगे। सुहा की फिल्म 31 अक्टूबर के साथ कुणाल की फिल्म गुड्डू की गन की रिलीज डेट जब से फाइनल हुई थी, तब से कुणाल खेमू का अंदाज कुछ ऐसा था। कॉमेडीज आर अ फ्लेवर दैट पीपल एंजॉय एंड आई एम कमिंग विद अ कॉमेडी दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट। अपनी फिल्म गुड्डू की गन के आगे कुणाल को ना तो अपनी बीवी सोहा नजर आई और ना नजर आई सोहा की फिल्म, और गन का निशाना साध दिया अपनी ही बीवी पर। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि सोहा की फिल्म 31 अक्टूबर की रिलीज डेट हो गई है पोस्टपोन। एक्चुअली देयर वाज सम सेंसर इश्यूज सो दे हैड टू गेट द सर्टिफिकेट और वो थोड़ा डिले हुआ, इस वजह से अभी आई हैव बीन टोल्ड दैट वी गॉट द सेंसर सर्टिफिकेट द प्रोड्यूसर विल नो बेस्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट रिलीज डेट बट आई एम क्वाइट हैप्पी दैट वी आर नॉट रिलीजिंग द गुड्डू की गन। आई एम सेइंग एनी यू नो एनी कंपटीशन इज competition, so it doesn't matter if it's a film that's big or small or different genre. We anyways have a couple of films releasing, so I'm obviously happy that it's not another, because I think it does eat into each other's business as well. Well, बिग स्क्रीन पर भले ही कुणाल और सोहा कंपेटिटर्स बनकर आमने सामने खड़े थे, मगर सोहा की फिल्म पोस्टपोन होने के बाद लुक्स लाइक कि इस रियल लाइफ जोड़ी के बीच का पंगा टल गया है। हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।